पंजाब के लुधियाना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लुधियाना के नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत हो गई है। युवक के परिजनों ने डॉक्टरों पर इल्जाम लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर्स ने गलत इंजेक्शन दिया था, जिसकी वजह से युवक की मौत हुई है। साथ ही उनका कहना है कि नशा मुक्ति केंद्र में नशा भी मिलता है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और अब इस मुद्दे पर सरकार पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये बादल गवर्नमेंट वेले भी यही कुछ सी, कांग्रेस कैप्टन गवर्नमेंट वेले भी यही कुछ सीगा, ते आप गवर्नमेंट वेले भी यही कुछ है, ते फिर इतने रह की गया कहदा जस्टिस है, कहदे फिर मान साहब है, जे इतने ही साढ़े जवान बच्चे मरने आता जेने वादे किए गए सी, उस वेले कित्थे चले गए? अज महीना हो गया तुहानू इत्थे गवर्नमेंट बनाया की कीता जे? नठे जांदे हो उत्थे दिल्ली केजरीवाल कोल पुछो तुसीं कहदे सीएम है गए हो? लुधियाना के एक निजी अस्पताल में नशा मुक्ति केंद्र में भेदभावपूर्ण परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे को पूर्व में एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया था, लेकिन उनका बेटा बीती रात नशे में था, उसे एक इंजेक्शन दिया गया और उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की मौत के लिए नशा मुक्ति केंद्र प्रशासन जिम्मेदार है, जिसके बाद उन्होंने कुछ देर केंद्र के बाहर इंसाफ के लिए जाम लगा दिया। बाद में आम आदमी पार्टी के विधायक और लुधियाना पश्चिमी के SDM मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचकर उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया है। नशे को लेकर ये अहम और बड़ी खबर है। नशे के कारण कई मौतें हो रही हैं। नौजवान रोज नशे की वजह से मौत के घाट उतर रहे हैं और अब नशा मुक्ति केंद्र में युवक की मौत हो गई। परिवार वालों ने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र का क्या मतलब है, यहाँ और दवाएं दी जा रही हैं, अंदर नशा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को अस्पताल प्रशासन ने शराब पिलाई और फिर पता नहीं चला, उसे इंजेक्शन लगाया गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने न्याय की मांग की है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। इन्होंने सानू आश्वासन दिता और ऊपर साढ़े बच्चे ने रख लिया, अटैचमेंट कर लिया, उसके बाद ड्रिंक पिलाते रहे कई दिन, दो दिन ड्रिंक पिलाई इन्होंने, ट्रीटमेंट चलता रहा अंदर ही अंदर। इन्होंने अंदर भी जो मुलाजिम है उन्होंने गूगल पे पेमेंट को करवाते रहे, अंदर भी आके देंगे रहे। ठीक है जी। फिर कल जरा कल का दिन से इन्होंने फिर लिया के ड्रिंक पिलाई, डॉक्टर एक इंजैक्शन ला गया, कोई दवाई के मूँह पा गया, उस तो बाद बच्चा जोश हो गया। अच्छा जी। इन्होंने सानू दसिया ही नहीं। अच्छा जी। सानू शाम को पता लगा जी, सानू साडे जानियां इन्होंने उन्होंने सानू कहंदे आराम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। उधर मौके पर मौजूद SDM ने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र में बीती रात एक युवक की मौत हो गई और मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उनका कहना है कि अस्पताल को सील कर नशा मुक्ति केंद्र के अंदर स्थित मरीज को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हालात नहीं बदले हैं। जिस मरीज को नशा मुक्ति केंद्र से शिफ्ट किया जा रहा है वो अपने परिवार की मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पंजाब में नशे के कारण रोज नौजवानों की मौत की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन सरकारें सो रही हैं। न्यूज डेस्क, रियल फ्लेवर न्यूज़।